एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बहजोई में स्थित भरतपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 4 किलोमीटर दूर ही है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने नंद किशोर को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 1780 की आबादी एवं 1358 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 530 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 172 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 22 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 70 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसीटाइज रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, बारात घर, बिजली घर, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रकाश, ग्राम भरतपुर, ब्लॉक भैजी, संबल डिस्ट्रिक्ट। मैं प्रधान जी के घर से, मेरे यहाँ पर जो भी सरकार ने पैसा दिया मैंने पूर्णतः ईमानदारी से गाँव के विकास में लगाया। RCC कराई और शौचालय बनवाए और ये टाइल्स का काम कराया, और फिर भी मेरे यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ हैं ग्राम पंचायत में। जितने वादे मैंने जनता से किए मैं पूरे करने में अभी पूर्ण नहीं हूँ। इसे मैं अपनी मांग के लिए यहाँ शमशान का काम कराने के लिए, शमशान का पूरा बाउंड्रीवेशन है उसमें, और RCC की भी मांग। मेरा नाम हरबंद सिंह राणा है, मेरे गांव का नाम भरतपुर है। हमारे ग्राम प्रधान जी नंद किशोर राणा जी हैं, जो काफ़ी अच्छा विकास कर रहे हैं भरतपुर में।